अरे रेड क्रिमिनल चल, अब सारा काम हो चुका है, अब हम लोग क्लॉक टावर चलते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है। ए, मैंने बहुत ज्यादा काम किया है आज तो। अबे रेड क्रिमिनल, तू काम के नाम पे बस सोता रहता है। अबे लेकिन इतने सारे डायमंड्स और ये लोग कौन है? चलो मैं जल्दी से चल के पूछ लेता हूँ। लेकिन गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग को भी एडम पसंद है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से प्रूव करो। और हाँ, अगर आप लोग को रेड क्रिमिनल पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम तेरा क्लॉक टावर खरीदने आए हैं, जिसके बदला में हम तुझे इतने सारे डायमंड और ये सब गोल्ड दे रहे हैं। अबे लेकिन मुझे तो अपना क्लॉक टावर बेचना ही नहीं है किसी को भी। जैसे मेरी आईडी में एक भी डायमंड नहीं है, क्लॉक टावर बेच देते हैं। अबे लगता है तुम इस बिग माफिया के बातों में आ चुके हो। रुक जाओ, मुझे इसी को सबक सिखाना पड़ेगा। अबे तू तो ये ले बड़ा आया मेरे क्लॉक टावर को खरीदने वाला। अब एडम तूने यह अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे अपनी गन से मार दूंगा। तो अब से क्लॉक टावर का किंग मैं हूँ, और अब से क्लॉक टावर पे मेरा राज होगा। अब क्लॉक टावर से एडम को बाहर निकाल दो लात मार के। ये बिग माफिया तूने अच्छा नहीं किया, मेरे ही क्लॉक टावर से तूने मुझे ही बाहर निकाल दिया। तो गाइस, एडम अपनी साकुरी और अपने क्लॉक टावर को बचा पाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट कर देना।